हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू आर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में काफ़ी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे बच्चों के कि एम्स दिल्ली में सीट लेने के लिए कम से कम कितनी रैंक होनी चाहिए और उसकी सीट मैट्रिक्स क्या है, तो मैं इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, 100 सीट्स एम्स दिल्ली में टोटल अवेलेबल हैं इंडियन नेशनल्स के लिए, जिनमें रिजर्वेशन इस प्रकार है। कैटेगरी वाइज मैं बताऊँ तो 27% OBC यानी कि 27 सीट, 15% SC कैटेगरी के लिए यानी 15 सीट, 7.5% ST के लिए यानी कि 8 सीट्स। तो ये बात हो गई OBC, SC और ST कैंडिडेट्स के लिए। तो उसके बाद दैट लीव 50 सीट्स फॉर अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 50 सीट्स इसमें बचती है। तो विद इन दिस देर इज़ अ 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए 3 सीट्स उसमें चली जाती हैं 50 में से। तो इट मीन्स 47 सीट्स जो हैं वो बचती हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो और एम्स दिल्ली में आप अपना एडमिशन चाहते हो, तो आपको टॉप 50 रैंक तक आपको स्कोर करना पड़ेगा, आपको अपनी रैंक लानी पड़ेगी टॉप 50 में अगर आप आते हैं तो एम्स UG एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तब जाके आपको एम्स दिल्ली में सीट मिल सकती है। ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था गाइज कि हमको कम से कम कितनी रैंक चाहिए। तो ये जनरल के लिए है, मैंने खाली जनरल पर बताई है। तो इसी प्रकार मैंने कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स बताई रखी है ऊपर, तो आप उससे भी देख के पता लगा सकते हैं कि बाकी कैटेगरी के लिए कितनी है। जनरल के लिए आपको टॉप 50 में आना ज़रूरी है, बाकी फिर परसेंट के हिसाब से है जिसको जितना कोटा है। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।